أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आई डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के यूनिट नंबर 13 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 13.5, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 10⁴ वोल्ट। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर पॉइंट है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 10⁴ वोल्ट। इफ़ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकॉल, अब उसके ऊपर अगर चार्ज है 100 माइक्रोकॉलम का, इज़ ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर उसको लामहदूद फासले से इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, हमें कितना वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं इसका डाटा लिख लेता हूँ। 13.5 न्यूमेरिकल है डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, डाटा के अंदर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल V 10⁴ वोल्ट। नेक्स्ट हमें चार्ज गिवन है Q 100 माइक्रो कॉलम। माइक्रो को चेंज करेंगे, माइक्रो कितना होता है 10⁻⁶ - 6 क्या बन जाएगा, कॉलम। नेक्स्ट टू फाइंड, अब हमने फाइंड का करना है, यानी कि टू फाइंड हमें वर्क डन जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। वर्क डन, सॉल्व फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास क्या लगेगा, वी नो डैट W = QV। अब डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। सबसे पहले W हमने फाइंड करना है एज इट इज, Q की जगह पर हम Q की वैल्यू कितनी है 100 × 10⁻⁻6 और V की जगह पर 10⁻⁴ पुट कर देंगे। जब डियर स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, वर्क डन 1 जॉल। मूव नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास कितना है जी, 13.6 न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करेंगे। जी 13.6 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या बनेगा, स्टेटमेंट इसकी क्या हमारे पास, अ पॉइंट चार्ज of 2 column is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt। यानी कि एक आपके पास पॉइंट चार्ज है, चार्ज कितना है 2 column, वो ट्रांसफ़र कर रहा है कितने पोटेंशियल से, 100 पोटेंशियल वोल्ट से 50 पोटेंशियल वोल्ट की तरफ। What would be the energy supply by the charge? अब हमने इधर से क्या फाइंड करनी है, एनर्जी सप्लाई। अब सबसे पहले इसके डाटे के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, एक चार्ज गिवन है Q कितना है 2 column। नेक्स्ट पोटेंशियल हमें 2 गिवन है 100, VA इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना है 100 माइक्रो कॉलम, सॉरी पोटेंशियल है 100 वोल्ट। फिर उसके बाद हमें VB जहाँ पर हमने इस पॉइंट चार्ज को लेके जाना है, उसका पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट। नेक्स्ट, अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? टू फाइंड एनर्जी, कि हमें इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने के लिए कितनी एनर्जी जो है वो दरकार होगी। अब डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एनर्जी जो है वो बराबर होगी हमारे पास वर्क डन के। सॉल्व, वी नो डैट फार्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट इधर से क्या बन जाएगा? एनर्जी इज इक्वल वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है? क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। एनर्जी कितना रहेगा? क्यू की जगह पर 2, नेक्स्ट वी ए की जगह पर 100, वी बी की जगह पर 50। जब डियर स्टूडेंट्स हम 100 में से 50 जो है वो माइनस कर देंगे, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 जॉल जो है वो हमारे पास एनर्जी फाइंड हो जाएगी। अब मूव नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 13.7। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? अ कैपेसिटर्स होल्ड 0.06 कॉलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। यानी कि कैपेसिटर है, जब उसको 9 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज किया जाता है तो उसके अंदर कितना चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है? 0.06 कॉलम। हाउ मच, सॉरी, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। आपने कैपेसिटर्स की क्या फाइंड करनी है? कैपेसिटेंस। अब इसका सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। चार्ज कितना हमारे पास? क्यू 0.06 कॉलम। नेक्स्ट हमें वोल्टेज गिवन है बैटरी के, वी कितने हैं? 9 वोल्ट। नेक्स्ट टू फाइंड हमने क्या करना है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस। वी नो डैट फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? क्यू इज इक्वल सी वी। अब इस फार्मूले के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देंगे। क्यू हमारे पास कितना है? 0.06। सी कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है। बैटरी के वोल्टेज कितने हैं? 9। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, 0.06 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल किसके आ जाएगा? सी के। जब हम डियर स्टूडेंट्स 0.06 को डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर तो हमारे पास कितना इसका आंसर फाइंड हो जाएगा? 0.00667 फेराड इज इक्वल कैपेसिटेंस। अब हम इसको पॉइंट को मूव करवा देंगे, 6 और 6 के बिटवीन जब हम लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ फेराड इज इक्वल कैपेसिटेंस। ये हमारे पास कैपेसिटर्स की क्या फाइंड हो जाएगी? कैपेसिटेंस। अब मूव नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 13.8। न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? अ कैपेसिटर्स होल्ड 0.03 कॉलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि कैपेसिटर है, जब उसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच किया जाता है तो वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। उसके अंदर चार्ज कितना स्टोर हो जाता है? 0.03 कॉलम्स। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितने वोल्टेज हमें दरकार होंगे फॉर इट टू होल्ड 2 कॉलम ऑफ चार्ज? जब हमने इस कैपेसिटर्स के अंदर कितना चार्ज स्टोर करना है? 2 कॉलम्स। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसका डाटा, सबसे पहले हमें चार्ज गिवन है, क्या वो 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं? कितना है? 0.03 कॉलम। नेक्स्ट हमें वोल्टेज गिवन है V1 कितने हैं 6 वोल्ट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने वोल्टेज जो है वो फाइंड करने हैं, यानी कि V2 हमने फाइंड करना है जब उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो जाए 2 कॉलम्स। अब सॉल्व विद नो डैट डियर स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स सेम चार्जेस हमारे पास, सॉरी कैपेसिटर्स हमारे पास सेम है, और जब कैपेसिटर सेम है जाहिर बात है उसकी कैपेसिटेंसी भी सेम होगी। अब हम इधर लिख सकते हैं वी नो डैट C1 बराबर है C2 के, यानी कि C1 कैपेसिटेंस पहले की और दूसरे की कैपेसिटेंस दोनों की क्या है सेम, क्योंकि एक ही हमारे पास कैपेसिटर्स है। अब बिकॉज हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है C इक्वल किसके होता है Q ओवर V के। अब C1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं Q1 ओवर V1 बराबर आ जाएगा किसके Q2 ओवर V2। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देंगे। Q1 हमारे पास कितना है 0.03 कॉलम। नेक्स्ट V1 कितना है 6, Q2 हमारे पास कितना है 2, और हमने क्या फाइंड करना है V2। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 0.03 को डिवाइड कर देंगे 6 के ऊपर, 0.03 डिवाइडेड बाई 6 ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू ओवर V2। अब V2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा उधर आके डिवाइड, V2 क्या बन जाएगा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2/5 × 10⁻³ अब 2 को डिवाइड कर देंगे आर्म्स के साथ तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कितने वोल्टेज फाइंड हो जाएंगे V इज इक्वल 400 वोल्ट। आई होप डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल नंबर 13.5 से 13.8 जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।